गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए सामाजिक मनोविज्ञान में प्रचार, एक टॉपिक है आपका प्रचार, ये आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान में अगर हम बात करें प्रचार शब्द, प्रचार क्या है? प्रचार वास्तव में मनुष्य के को प्रभावित करने वाली एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक शक्ति के रूप में जानी जाती है। प्रचार अक्सर आप कहते हैं प्रचार हम अक्सर प्रोडक्ट्स के बारे में चीजों का प्रचार देखते हैं, साहित्य का प्रचार देखते हैं, किसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध प्रचार देखते हैं। तो प्रचार शब्द आज हम मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे। वास्तव में प्रचार जो है इंग्लिश भाषा के शब्द प्रोपोगेंडा से आया। प्रोपोगेंडा जो ये शब्द था, इसका अर्थ वास्तव में था बांधना या बंध के रहना। लेकिन प्रचार शब्द का अर्थ हम किसी विषय के सापेक्ष जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और वो एज इट इज उसको ग्रहण कर लेता है, तो वो प्रचार कहलाता है। हमारे सामाजिक मनोविज्ञान में प्रचार, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने प्रचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रचार सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। हम बहुत सी चीजों का प्रचार प्रसार देखते हैं। हाल ही में आप सभी जानते हैं कोरोना डिजीज फैली है। इस डिजीज का, जैसे कि चाइना ने पहले प्रचार प्रसार नहीं किया था, जिस कारण ये देश के बहुत सारे, हमारे विश्व के बहुत सारे देशों में फैल गया। अगर इस डिजीज का प्रचार पहले से होता तो सारे देश सतर्क हो जाते, और मैं ये पूरे प्रमाणिकता से कह सकती हूँ कि ये जितना आज फैला है इतना कभी नहीं फैल पाता। तो ये इसमें थी प्रचार की कमी। आज यहाँ मैं प्रचार के कुछ आपके साधन बताने जा रही हूँ। प्रचार के साधन, प्रचार के साधनों में मतलब वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रचार कर सकता है। देखिए, इसमें पहला आया है मुद्रण या प्रेस। मुद्रण या प्रेस में वो सब समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब आ जाते हैं। आज भारत नहीं, विश्व के अनेकों देश जिसमें रोजाना दैनिक समाचार पत्रों की करोड़ों में गिनती है, करोड़ों लोग रोजाना सुबह दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से खबरों को पढ़ते हैं। तो प्रचार का प्रमुख साधन माना जाता है मुद्रण या प्रेस। इसी प्रकार टेलीविजन, टीवी के माध्यम से आज अगर हम देखें तो आज टीवी जो है, हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, उसके कोने में क्या घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तुरंत हमें टेलीविजन के माध्यम से हमारे सामने आ जाती है। हम बहुत सारे, अगर हम क्रीम्स के, शैम्पू के अक्सर बहुत सारे एड देखते हैं, ये एड वास्तव में प्रचार है। वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रचार कर रहे हैं कि आप फला चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, आप क्रीम लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे। क्या वास्तव में, आप मुझे एक बात बताइए, आप कौन सी क्रीम से बिल्कुल फेयर हो जाते हैं? लेकिन वो लोग इस तरीके से दिखाते हैं, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं कि अगली बार आप बाजार से जाकर वही क्रीम लाते हैं, क्या उसका फर्क पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने कहा है प्रचार जो है व्यक्ति के मस्तिष्क को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है। इसी प्रकार आता है रेडियो, एफएम रेडियो, इसके माध्यम से भी आजकल प्रचार होने लगा है। मैं दिल्ली गई थी, मैंने अपनी गाड़ी में रेडियो ऑन किया तो उन्होंने दिल्ली में किस रूट पर कितना ट्रैफिक है, या फिर टीवी के, खूब सारे टीवी के मरीजों के लिए एड, या फिर वहां पे जन जागरूकता के लिए, बालिका शिक्षा के लिए रेडियो के माध्यम से प्रचार किया जा रहा था। तो ये रेडियो भी प्रचार का सशक्त माध्यम है। इसी प्रकार अगर हम देखें शिक्षा, कहते हैं एजुकेशन को। अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो एजुकेशन जो होती है वो पूल होती है। पूल मतलब माध्यम, जोड़ने का जरिया, दो व्यक्ति को आपस में जोड़ते हैं। एजुकेशन के माध्यम से अगर हम देखें, एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू लर्निंग एंड टीचिंग। एजुकेशन बेस्ट वे है। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट आता है वक्तृता मंच यानी प्लेटफॉर्म। अक्सर हम इलेक्शंस में बहुत सारे चुनाव प्रचार प्रसार करते समय अपने लोकप्रिय नेताओं को प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म यानी वक्तृता मंच जो होता है, उनसे संबोधित करते हुए सुनते हैं। वो अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को उस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें बताते हैं। वास्तव में वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो बताते हैं हमारी पार्टी ने इतना काम किया है, यदि आप इलेक्शन में जिताएंगे तो आने के बाद आपको ये फायदे भी होंगे। तो प्लेटफॉर्म इज अ, जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्रचार का एक साधन है।
नेक्स्ट इसमें आता है साहित्य लिटरेचर। हम राम रहीम के दोहे, कबीर दास के दोहे आज तक पढ़ते हैं। वास्तव में इन दोहों के माध्यम से कबीर ने एक दोहा दिया था, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, करका मन का डारिए, मन का फेर। वास्तव में उन्होंने धर्म के आधार पर जो लोग आपस में एक दूसरे को बांटते हैं उसके आधार पर प्रचार किया कि ये कुछ माला या अजान कुछ नहीं होता, वास्तव में व्यक्ति और हमारी जो आपस में एकता होती है वो मायने रखती है। तो लिटरेचर जो हमारे साहित्य होते हैं, साहित्यों के माध्यम से आज हम कितने ही जात पात का, धर्म का, क्षेत्रवाद का, कितने प्रचार के माध्यम से हम अवेयर होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है धर्म यानी रिलीजन। देखिए धर्म, वास्तव में हम जब धर्म का नाम आता है हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट लेते हैं, जबकि धर्म का अर्थ ये नहीं है, ये संकुचित अर्थ है। धर्म का विस्तृत अर्थ होता है धर्म जो अपने नियमों, विश्वास इनकी कार्य प्रणाली होती है। अपने धार्मिक नियमों को मानना, उसको आत्मिकृत करना, वो धर्म है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, हमें इनके साथ पूजा नहीं करने, उनके धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना, कहीं नहीं लिखा है। ये हमने बनाए हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम धर्म देखें, धर्म प्रचार का सशक्त साधन है। हमारे धार्मिक नियम हमारे प्रचार के सशक्त माध्यम होते हैं, लेकिन हम उन्हें अगर गलत राह पे ना ले जाए तब। इसी प्रकार लास्ट पॉइंट है रजत पट। रजत पट सिनेमेटोग्राफी को कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारे चलचित्र, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हमें ज्ञान देती है। हमें हमेशा हम जब देखते हैं तो उसमें एक सीख मिलती है। तो आजकल सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। मैं न्यूज देखती हूँ तो उसमें इंडिया टुडे का आई एम सॉरी करके एक वो आता है, चलचित्र आता है कार्टूनिस्ट करके। तो है तो वो कार्टून, लेकिन वो बहुत बड़ा संदेश देते हैं। तो ये सब जो है ये प्रचार के सशक्त साधन है। आपको मैंने नोट्स सेंड कर दिए थे प्रचार के, तो आप सभी लोग प्रचार किसे कहते हैं और प्रचार के कौन कौन से साधन होते हैं इजिली कर लीजिएगा। इसको रटने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट आपको वीडियो शेयर करती रहूंगी। बच्चों हैव अ नाइस डे, गुड बाय।